नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ गुप्ता है। मैं वैश्य समाज से महानगर अध्यक्ष हूँ युवा में, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ राजाजीपुरम व्यापार मंडल का मैं अध्यक्ष भी हूँ। लखनऊ उद्योग में मैं उपाध्यक्ष हूँ, कल मैंने शपथ ली है। और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आएँ। साथ ही मैं कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री अमित गुप्ता जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और श्री प्रिया गुप्ता जी जो महिला प्रदेश अध्यक्ष, इनको बधाई देता हूँ कि हर साल ये पारंपरिक तौर पे इस वैश्य सम्मेलन को आयोजित करती हैं। और होली के समय तो ये इतना सुंदर कार्यक्रम होता है कि हमारे वैश्य नौजवान लड़के भी यहाँ पे आते हैं। और हमारी उनसे यही अपील है कि संघर्ष को ना भूलें और अपने समाज को ना भूलें, और संघर्ष दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं सरकार में भागीदारी भी ज़रूर दिखाई देगी। इसी के साथ मैं आप सभी से, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं अपील करता हूँ, वैश्य समाज से अपील करता हूँ कि घर से निकलें। कारोबार के साथ साथ सम्मान भी जरूरी है, और सम्मान तब मिलेगा जब आप संघर्ष करेंगे। धन्यवाद मैम। आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आई हैं राष्ट्रीय वैश्य परिषद का जो कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगी? एक महिला, एक बिजनेस वूमन है, और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले अपने सभी मीडिया बंधुओं को। और ये राष्ट्रीय वैश्य परिषद से हम लोग सम्मिलित होने का एक मेन उद्देश्य है कि हम लोग फ़ोन पे ही रह गए, मिल नहीं पाते, इस वजह से हम लोग ये होली मिलन करते हैं और उसमें एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे हमारे अमित जी ने भी अभी बोला कि हमारे वैश्य की वो, तो हम लोग ये चाहेंगे हमारे लखनऊ से युवा वैश्य को ही मेयर का टिकट दिया जाए। उसमें एक हम नाम भी लेना चाहेंगे, विराज सागर दास जी से अच्छा कोई नहीं होगा। और हमारे मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि वो इस बात पर थोड़ा सा वो करके हमारी बात को पहुँचाएँ और उनको प्रत्याशी बनाया जाए। महिलाओं को तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जितनी भी नारी शक्ति, उससे शक्तिशाली कोई नहीं है। हम जननी हैं, और हम अगर जन्म दे सकते हैं तो हम अपने समाज में महिलाओं का सम्मान पाने के लिए खुद अपनी एक पहचान बनानी पड़ेगी, तभी महिला सशक्तिकरण का मेन उद्देश्य होगा कि हम सफल हैं। राष्ट्रीय वैश्य परिषद लखनऊ की तरफ से आज ये होली मिलन का कार्यक्रम मानस भवन में आयोजित किया गया है। क्या कुछ पूरा इस कार्यक्रम के बारे में और कितने लोग सम्मिलित हो रहे इसके बारे में? राष्ट्रीय वैश्य परिषद लखनऊ के द्वारा वैश्य सम्मेलन एवं होली मंगल मिलन समारोह का आज आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य, आज के समय में सब कोई डिजिटल होता जा रहा है, और डिजिटल और फिजिकल, डिजिटल में आदमी चाहे जितना निकट महसूस करे, लेकिन डिजिटल में आज कोई भी व्यक्ति, अगर किसी के व्यक्ति के पास कोई दिक्कत आती है तो डिजिटल से जुड़ा हुआ दोस्त या भाई या फ्रेंड वो किसी के काम नहीं आता, लेकिन अगर फिजिकली व्यक्ति जुड़ा है तो उसके सुख दुख में साथ देने का काम फिजिकली जुड़ा हुआ व्यक्ति कर सकता है। ये होली मंगल मिलन का कार्यक्रम लोगों को आपस में जोड़ने का काम, और साथ ही जिस तरह से आने वाले समय में नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, आज पूरे उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका, 517 नगर पंचायत पूरे प्रदेश के अंदर है। उस नगर पंचायत में वैश्य समाज की आबादी आज हम नगर पंचायत और नगर पालिका में हमारी 28 से 30 प्रतिशत की है। आज लखनऊ की नगर निगम उठा लीजिए, यहाँ पर लगभग 24 लाख मतदाता है, 24 लाख में 5.25 लाख मतदाता वैश्य समाज का है। लेकिन पूर्व में जब पार्षदों से नगर निगम के मेयर चुने जाते थे तो तब हमारे 13 मेयर में 8 मेयर वैश्य समाज के हुए, लेकिन जब से लोगों को टिकट देने की बारी आई, जब से लेकिन वैश्य समाज की उपेक्षा दिन पे दिन नज़रअंदाज की जा रही है। हम चाहते हैं कि आने वाले नगर निगम के चुनाव में वैश्य समाज की भागीदारी लखनऊ सहित कानपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे आपका इलाहाबाद, प्रयागराज, इन जगहों से वैश्य समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो। उसी